और इसके साथ जो C7 होता है वो भी ATP है। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है? नो no, मैं नहीं समझ रही आप क्या बोल रही है। अच्छा, आपके पास स्क्रीन पे ये टोटल 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेस हैं, जिसमें से C1, C2 एंड C7 एटिपिकल हैं। देन 3, 4, 5, 6 जो हैं वो टिपिकल हैं। या आप अपने बुक में सारे टॉपिक खोल लें, आपको समझ आ जाए। अच्छा, इस पिक्चर में आपके पास ऊपर वाला C1 है एंड ये नीचे C2 है, ये दोनों एटिपिकल है। सबसे पहले अब हम C1 करेंगे, जो कि है एटलस। ये उसका सुपीरियर व्यू है। उसकी जो शेप होती है वो एक रिंग टाइप है, एक रिंग बना होता है। ये दो इसकी आर्चेस होती हैं, ये एक इंटीरियर आर्च है जो कि थोड़ी छोटी है, और ये पोस्टीरियर आर्च जो कि थोड़ी बड़ी होती है, लॉन्ग एंड कर्व्ड, और ये कर्व है। देन इसकी साइड्स पे ऑन ईच बोथ लेटरल साइड्स ये जो है हमारे पास लेटरल मैसेस हैं। लेटरल मैसेस के साथ पिक्चर एंड ऑन आइदर साइड ऑफ लैटरल मैस टू ट्रांसवर्स प्रोसेसेस व्हिच कंटेन्स द ट्रांसवर्स फोरामेन। इतना आपको इसकी पहचान होगी है इसकी शक्ल से, एक रिंग टाइप इसकी बॉडी है, इंटीरियर आर्च छोटी होगी बॉडी है, पोस्टीरियर आर्च जो है इसकी वो थोड़ी लॉन्ग एंड कर्व्ड है। देन टू लैटरल मैसेस एंड ऑन आइदर साइड ऑफ लैटरल मैस इज ट्रांसवर्स प्रोसेस व्हिच कंटेन्स ट्रांसवर्स फोरामेन। अब आप सबसे पहले देखो, ये जो इसके लैटरल मैस है, सर्वाइकल वर्टिब्रे की पोजीशन क्या होती है, ये बिल्कुल बेस ऑफ द स्कल के साथ नीचे आपके नाइन से आपका स्पाइन जो है स्टार्ट हो जाता है। स्पाइन के ऊपर सबसे पहले जो है वो हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रेज हैं जो हेड एंड नेक में आते हैं, और सिर्फ आपके सिलेबस में यही है। उसके बाद नीचे के जो बाकी वर्टिब्रेज हैं वो आपके सिलेबस से नहीं है। अच्छा, ये सबसे पहला C1 है जो बेस ऑफ द स्कल के साथ कैसे ज्वाइन होता है, आपको भी दिखा देती हूं।
सॉरी मेरा लैपटॉप जो है वो डिस्कनेक्टेड हो गया. मैम मैं पहले भी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही थी. अच्छा मैं अभी फोन से ऑनलाइन आई, यहाँ से मैं आपको कर देती हूँ शेयर. क्लासिफिकेशन आप सबको समझ आ गई है, सर्वाइकल वर्टिब्रेज है. हम पहले C1 कर रहे हैं. C1, 2 एंड 7 जो हैं वो एटिपिकल हैं. आज हम एटिपिकल में से 1 और 2 करेंगे, ठीक है. शेयर हो रही है अब आपको? नो मैम. मैम अब हो रही है. ठीक है. अच्छा अब इसकी जो शेप है वो एक रिंग लाइक शेप है. इंटीरियर आर्च है ये इसके इंटीरियरली. अब मैं इस पे मार्क कैसे करूं? ये चीज, ये जिसको भी मैंने रेड मार्क किया है ये इंटीरियर आर्च है और ये पोस्टीरियर आर्च है जो कि लॉन्ग और कर्व्ड है. मैम ये C1 ही अभी कर रहे हैं ना? जो कि लॉन्ग और कर्व्ड है. हाँ जी ये C1 ही है. ठीक है. अब आपके पास ये इसके दोनों साइड्स पे ये लैटरल मैस होंगे एंड ऑन आइदर साइड ऑफ लैटरल मैस ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है ये और उसके अंदर ये ट्रांसवर्स फोरामेन. C1 की पोजीशन जो है बिल्कुल बेस ऑफ द स्कल के साथ नीचे होती है और वहां पे जो ये लैटरल मैस है उसके थ्रू ज्वाइन करती है. बेस ऑफ द स्कल में हमने पढ़े थे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल. तो जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स थे वहां पे जाके ये जो लैटरल मैसेस हैं ये वहां जाके ज्वाइन होते हैं. वहां पे एक ये जॉइंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट. ठीक है. अब इसके जहां पे ये जो एंटीरियर आर्च है उसके साथ आगे एक एंटीरियर ट्यूबरकल है. ये एंटीरियर ट्यूबरकल. एंटीरियर ट्यूबरकल के साथ एंटीरियर आर्च का जो ये मार्जिन है ये आपके साथ एक मेम्ब्रेन के साथ एक कनेक्टेड होता है ऑक्सीपिटल कंडाइल्स के साथ. मतलब कि एंटीरियर ट्यूबरकल्स प्रोवाइड अटैचमेंट टू अ मेम्ब्रेन
एंड टू एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स. एंटीरियर ट्यूबरकल के साथ आगे जो है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स होते हैं जो इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, और बाकी ये जो है एक मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे जो ऊपर बेस ऑफ द स्कल है जहाँ पे ये लैटरल मैस उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और उसके दरमियान में मेम्ब्रेन उसको गैप फिल करने के लिए यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, बाकी अब ये C1 की अब देख रहे हैं इसमें मजीद कोई और इसकी कोई बॉडी नहीं है और कोई स्पाइन नहीं है, जो कि हम बाकी टिपिकल वर्टिब्रेस करेंगे उनमें स्पाइन और C7 में भी जैसे स्पाइन है और वो सारी इसमें नहीं है. C1 की आपको पहचान आपके पास इसमें नहीं है. C1 की आप क्लियर हो गए C1 या दोबारा कराऊं? मैम ज्वाइन कर दोबारा बता दूं प्लीज. ठीक है. अच्छा, इसकी रिंग लाइक ये शेप है, उसके बाद एंटीरियर आर्च एंड पोस्टीरियर आर्च ऑन आइदर साइड लैटरल मैसेस, and on each side of lateral mass there is transverse processes which contains the foramen transverse foramen. Lateral mass jo hai iska occipital condyles ke sath joint banate hain jisko hum kehte hain atlanto occipital joint. Phir iska ye anterior tubercle hai और ये पोस्टीरियर ट्यूबरकल, ये पोस्टीरियर ट्यूबरकल और ये एंटीरियर ट्यूबरकल. एंटीरियर ट्यूबरकल जो है वो वहां से इसके साथ ये जो ऊपर इसकी रिज लाइक ये जो इसकी शेप में है ये कनेक्ट करती है मेम्ब्रेन के साथ, जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है गैप फिल करने के लिए बिटवीन द बेस ऑफ द स्कल एंड द C1. अच्छा, ये इसका सुपीरियर व्यू है जो अभी हमने कर लिया है. ठीक है, अब सिर्फ इसमें आपके पास आप इसको देखें एक आर्टिकुलर फैसेट है ये चीज जो हम इसके बात करेंगे C2 उसके साथ अटैच होता है यहां से आर्टिकुलर फैसेट फॉर डेंस. डेंस उसका नाम है जो C2 की बॉडी है उधर वहां इस तरह आके अटैच होगा. अच्छा, ये C1 का सुपीरियर व्यू था, अब ये इंफीरियर व्यू है. इंफीरियर व्यू में कुछ नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा चीज है. इंफीरियर आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ लैटरल मैस फॉर एक्सिस, ये जो है C2 का नाम है एक्सिस, उसके साथ यहां से ये अटैच होगा, ये जो है इसका इंफीरियर आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ लैटरल मैस फॉर एक्सिस. बाकी इस साइड से भी वही चीजें हैं,
अच्छा, ये इसका वर्टिब्रल फोरामेन है, साइड्स पे ये जो है ये ट्रांसवर्स फोरामेन है और ये वर्टिब्रल फोरामेन है। और इसकी सुपीरियर सरफेस पे पोस्टीरियर इसकी आर्च के साथ यहाँ पे एक ग्रूव होता है वर्टिब्रल आर्टरी के लिए, और ये इसको आप वर्टिब्रल फोरामेन या वर्टिब्रल कैनाल भी कह सकते हैं। दोनों व्यूज समझ आ गए आप? अच्छा, ये बेस ऑफ द स्कल, ये एक पिक्चर है, इसमें मैं आपको सिर्फ अभी अगर आपको भूल गया है तो ये है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो मैं दिखाना चाह रही हूँ। ये यहाँ पे आके C1 अटैच होता है जो उसके लैटरल मैस थे। अच्छा, अब ये है आपके पास C2 एक्सिस, इसकी और उसमें फर्क क्या है कि इसकी एक तो ये चीज एक्स्ट्रा है और एक इसकी स्पाइन है जो कि C1 में नहीं होती है। दोनों एटिपिकल वर्टिब्रेस, लेकिन इसकी बाइफिड स्पाइन है और इसकी बॉडी भी है जिसको हम कह रहे हैं डेंस। C1 कुछ कॉन्सेप्ट में ये भी है कि C1 की भी बॉडी होती है जो उससे डिटैच हो जाती है और C2 की बॉडी के साथ आके अटैच होके ये एक डेंस बना देती है। ठीक है, अब जो उसमें हमने आर्टिकुलर फैसेट किया था फॉर अटैचमेंट ऑफ डेंस, आपको याद हो अभी मैंने कराया है, वहां पे जाके ये लगती है। बाकी इसके डेंस है, वर्टिब्रल बॉडी है, ये इसके ओवल फेसेट्स हैं, देन वही फोरामेन ट्रांसवेरियम है, ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर ट्रांसवर्स फोरामेन या फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम, सेम वर्टिब्रल कैनाल। सिर्फ इसमें एक चीज ये है कि उसमें हमने इसकी आर्च की थी, इसमें हम इसको लेमिना कह रहे हैं और पीछे एक इसकी स्पाइन है। और इसका जो इंफीरियर व्यू होगा वहां से वो C3 के साथ आगे जाके अटैच हो जाएगा, वो हम जब टिपिकल वर्टिब्रेस में आपको करवाऊंगे तब हम उसमें करेंगे। आज के लिए आपका सिर्फ C1 एंड C2 था, इन दोनों के आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। C1 की एक रिंग लाइक शेप थी, उसमें कोई भी बॉडी और उसमें स्पाइन नहीं है, देन C2 है जिसमें ये टेंस और स्पाइन प्रेजेंट होती है। वो C1 जो है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के साथ अटैच होके एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट बना रही है। उसी तरह जब C1 को हम एटलस कहते हैं और C2 को एक्सिस, तो एटलस और एक्सिस जब आपस में कनेक्ट होंगे, यहाँ से जब ये डेंस जो है उसके आर्टिकुलर फैसेट के साथ जाके कनेक्ट करेगा तो ये एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट बनाएगी। ठीक है,
ये अभी अगर हम कॉलेज में होते तो मैं आपको दोनों का करके बता देती कि ये रोटेटरी मूवमेंट होती है, लाइक ये जो डेंस है ये उसके जो उसका हमने बॉडी की उसके अंदर से उसमें प्रेजेंट होता है, तो ये रोटेट कर सकता है सी वन इसके ऊपर, ठीक है। डेंस क्या चीज आपने ज्वाइंट का क्या नाम बताया जो एक्सिस और एटलस के दरमियान में बंद है? एटलांटो एक्सियल, ठीक है। ये जो डेंस है ये सी वन के अंदर अटैच होता है, जो उसका फैसेट हमने किया था। ये देखें, ये अब सी वन की पिक्चर है और एंटीरियर ट्यूबरकल के साथ बिल्कुल अंदर ये हम ये है फैसेट, यहाँ पे आके डेंस अटैच होता है, ठीक है। यहाँ से आता है डेंस, तो इस डेंस के साथ फिर सी वन की रोटेटरी मूवमेंट हो सकती है। क्लियर? अब ये एक ही पिक्चर में सारे आगे हैं। सबसे पहले ये है सी वन का सुपीरियर व्यू, ठीक है, और ये है इसका इंफीरियर व्यू। ये सी टू की जो टेंस है उसकी, ये आप देख रहे हैं अब इस पिक्चर में समझ आ जाएगी। ये है सी टू का टेंस जो कि ये सी वन के अंदर से आके इस तरह आके अटैच हुआ है। यहां से सी वन टेंस के अराउंड रोटेटरी मूवमेंट कर सकती है। बाकी उसके साथ फिर ये सी टू के साथ आगे जाके नीचे इस तरह सी थ्री फोर फाइव सिक्स जो है ना, थ्री और फोर है इस पिक्चर में, इसी तरह आगे बाकी अटैच होंगे। समझ आ गई? ये इस तरह स्पाइन बनती है, यूं नीचे सारे जाके अटैच होते जाते हैं। और ये सी वन के ये जो यहां से ये बेस ऑफ द स्कल के साथ अटैच होती है, एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट बनाएगी। आ गई है समझ? यस मैम। किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, ये डेंस है आपको सी टू का जो डेंस है उसके, और ये ऊपर ये जो पड़ा हुआ है, ये जो है ना ये सी वन है और ये सी टू का सिर्फ इसमें से ये डेंस अभी यहाँ पे नजर आ रहा है, बाकी सी टू ये है नीचे ये वाला, ठीक है। तो ये डेंस के साथ ऊपर सी वन जो है ना ये यहाँ पे रोटेटरी मूवमेंट होती है। सॉरी बहुत ही गंदा हो गया।
समझ आ गई आप? यस मैम। ओके बस आपने इनकी आइडेंटिफिकेशन आपको लाजमी आनी चाहिए, जो स्पॉटिंग होगी आपकी ऑस्पी होगी उसमें रखे होते हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए C1 और C2 का मेन डिफरेंस कि एक तो इसकी स्पाइन नहीं है और इसमें जो है बॉडी जो C2 में है डेंस जिसका नाम जो है वो नहीं है, ठीक है। बाकी इनकी शेप्स को आपको समझ आनी चाहिए और दो तीन चीजें हैं बाकी, तो आर्च वगैरह वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? यस मैम। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें अभी पे। ठीक है, फिर आप सब भी जाएं, जुमे की तैयारी करें, दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.